वैक्सीनेशन का कौमी दिन। अगर आप जानना चाहते हैं बड़ा मेहरबानी इस वीडियो को पसंद करें। नेशनल वैक्सीनेशन डे मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ टीकाकारी और हिफाजती टीकों की अहमियत को फरोग देने के लिए मुख्तस किया गया दिन है। दिन की तारीख और नाम मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद आम तौर पर एक ही होता है, टीकाकारी के फवायद के बारे में आगाही पैदा करना और लोगों को वैक्सीन लगवाने की तरगीब देना। हिंदुस्तान में हर साल 16 मार्च को कौमी टीकाकारी का दिन मनाया जाता है और इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन हिंदुस्तान में प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के आगाज की अलामत है, जिसका मकसद मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। नेशनल वैक्सीनेशन डे के दौरान हुकूमत, सेहत की तंजीमों और NGOs की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन की अहमियत से आगाह किया जा सके और उन्हें वैक्सीन लगवाने की तरगीब दी जा सके। कम्युनिटीज, स्कूलों और दीगर अवामी मकामात पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा सकते हैं, ताकि लोगों को टीका लगवाना आसान बनाया जा सके। नेशनल वैक्सीनेशन डे का हतमी मकसद आबादी में हिफाजती टीकों की शरह में इजाफा करना और लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है। वैक्सीन बीमारियों की रोकथाम के सबसे मुअसर तरीकों में से एक है और वैक्सीनेशन को फरोग देना सेहत आमा की कोशिशों का एक लाजमी हिस्सा है। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को पसंद और सब्सक्राइब करें।